नमस्कार अंग्रेजों, आप देख रहे हैं पीएसयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि मैं पहले से ही मुदित हूँ, बड़ा ही प्रसन्न नजर आ रहा हूँ क्योंकि यूजीसी चेयरमैन अंजय कुमार जी भी बड़ा कमाल कर रहे हैं, लगातार डिसीजन ले रहे हैं। मुझे लग रहा है 24 घंटे में पूरे 24 घंटे ये काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही काम करते रहे। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि बस प्लानिंग से नहीं होता है, बस डेट अनाउंसमेंट से नहीं होता है, हमेशा हमें थोड़ा वक्त भी मिलना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना फिर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन करना ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए हार्ड हो जाता है। अचानक से आप बोल दो कि 2 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। लेकिन इनको सेशन लेट भी नहीं करना है, क्योंकि कोविड में नेट यूजीसी का भी पेपर आपको पता है पोस्टपोन्ड हुआ ही नहीं, बाद में वो लोग कंटिन्यूअस 2 सेशन का एग्जाम कराए और उसी में सीयूईटी आ गया, तो इनके पास वर्कलोड ज्यादा है। थैंक गॉड हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से ज्यादा इस समय यूजीसी के चेयरमैन काम कर रहे हैं, ये बात का प्रमाण है कि कंटिन्यूअस इनके ट्विटर पे आप जाकर चेक कर सकते हो, हमेशा कोई ना कोई डिसीजन आ रहा है, कहीं सेमिनार कर रहे हैं, कोई वेबिनार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से टॉक कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आज इन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया है यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट जो 2022 का दिसंबर वाला है उसका फॉर्म अवेलेबल हो गया। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हो। 28 दिसंबर से 17 जनवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हो। और इन्होंने साथ ही साथ आपका डेट भी दे दिया एग्जाम का, यहाँ पे दिया हुआ है कि एनटीए एग्जाम कराएगी। और देखो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 यानी 2022 फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन 38 सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एसीबीटी मोड में होगा। डेट यहां पे दे रखा है इन्होंने, नहीं ये तो एप्लीकेशन फॉर्म का ही है। अच्छा 28 से नहीं 29 दिसंबर से है, यानी कल से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इन्होंने डेट दे रखा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 फरवरी 2022 टू 10 मार्च 2023, यानी 21 फरवरी से 10 मार्च तक ये लोग आपका यूजीसी नेट के 83 विषयों का पेपर करा लेंगे, ठीक है। और साथ में आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इन्होंने ऑफिशियल ट्वीट अपना फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाइए और वहां से क्या करिए फॉर्म भरिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, देखते हैं इस बार कौन कौन, नेट तो भी अच्छे बहुत से लोग निकाल लेते हैं, मुद्दा है तो जेआरएफ कौन कौन निकालता है, ओके। और मैं बता दूं कि इस समय भारत में यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है, कासू विश्वविद्यालय जो है, वो नेट के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 2022 का दिसंबर सेशन में जो लोग जो बच्चे बैठने जा रहे हैं उनका भी नेट भी निकले और जेआरएफ फेलोशिप भी उनको मिले। तो शुभकामनाएं आप सभी को, पीएचयू पाठशाला देखते रहे और जुड़े रहे, क्योंकि मैं नेट यूजीसी नेट के जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और जो इसका सिलेबस है, कम से कम टॉप 10 फेमस कोर्सेज का जो आपका सिलेबस है और पार्ट फर्स्ट, वो मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है। तो जरूर जब सब्सक्राइब करें, बने रहे, पार्ट फर्स्ट का पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं।